महाभाष्य 90वीं कक्षा। तुल्यास्तु प्रयत्नम सवर्णम। गुरुजी जी 241 पृष्ठ पर जी ये जो समाधान दिया, सिद्धम तु आस्य तुल्य देश प्रयत्नम सवर्णम, जी इसमें कहा कि आस्य में समान देश और प्रयत्न जिनका है उनकी समर संजय होगी। तो यहाँ आस्य मुख ले लिया जी पूरा, तो फिर प्रश्न किया कि एवमपि किम आस्य उपादान प्रयोजनम सर्वेशम ही तत्तुल्यम, तो सर्वेशम देशानाम लग रहा है। देशा ना सर्वेशम वर्णानाम नहीं, क्योंकि इन्होंने प्रश्नकर्ता ने देश समझ करके कहा कि भाई वो तो सभी देशों का आशय समान ही होता है, तो फिर उत्तर दिया कि नहीं भाई प्रयत्न का विशेषण है ये। नहीं, आशय समतुल्यो, आशय माने मुख में, जिनका तुल्य देश और प्रयत्न है, तो आशय तुल्यो देश है, ये कहने की क्या जरूरत है, वो तो सबका आशय में समान ही है, सभी वर्णों का। ये साम वर्णानाम तुल्यो देशा प्रयत्नश्च, जिन वर्णों का तुल्य देश और प्रयत्न वे श्रवण संजक होते हैं। आस्य में जिन वर्णों का तुल्य देश और प्रयत्न है वे समान होते हैं। तुल्य देश माने स्थान, तुल्य स्थान और तुल्य प्रयत्न, आस्य माने मुख में। फिर भी आस्य क्यों पड़ा, आस्य आस्य क्यों पड़ा, सर्वेशाम ही तुल्यम, सर्वेशाम वर्णानाम आस्यम तु तुल्यमेव भवति, आस्य येषां तुल्यो देश इत्या आस्येन देशो विशेष्यते, आस्य से देश को विशेषित कर रहे हैं। ये जब इसका विशेषण बनाएंगे तो प्रश्नकर्ता कहेगा कि भी वो तो सभी देशों का तुल्य ही होता है आस्य, तो फिर वो समाधान का कि भी प्रयत्न का विशेषण बनाएंगे। प्रदीप में भी जो तत्र व्याभिचार अभावाद आस्येन देशस्य विशेषणम अयुक्तम इति अर्थ है। हाँ वो तो ठीक हो गया ना, कि आस्य के साथ देश का व्यभिचार नहीं हो पा रहा है। पहले में तो वर्ण ही आएगा, क्योंकि वहाँ तो सामान्य रूप से कहा था जो भी अस्यन्ति वर्णान इति आस्यम, तो वो सभी वर्णों का फेंकेगा मुख, या फिर तुल्यता दिखानी है तो देश की तुल्यता स्थान के साथ दिखाए और प्रयत्न की मुख के साथ। मतलब प्रयत्न विशेषण आस्य उपादानम, आस्य जो है वो प्रयत्न को विशेष करना, आस्य ऐसा तुल्य प्रयत्न, मैंने देश को विशेषित करने के लिए आस्य नहीं है, आस्य में जिनका तुल्य देश है। जिनका कहने से तो वर्ण ही आएंगे, जिनका ये शाम शब्द से वर्ण ले रहे हैं, ये शाम से वर्ण ले रहे हैं, तो सर्वेशम से फिर उन्हीं का लेना चाहिए। जिनका तुल्य देश और प्रयत्न है वे श्रवण संजक होते हैं। देश को मान कर यदि प्रश्न करके भी सब देशों का तो मुख ही स्थान होगा, लेकिन सभी प्रयत्नों का मुख नहीं है, वो उसको नहीं पता था, तो इसने देश के साथ जोड़ करके पूछा कि सब देशों का तो वो समान ही होता है स्थान मुख, लेकिन तो इन्होंने कहा प्रयत्न का विशेषण बनाएंगे कि सब प्रयत्नों का वो समान नहीं होता आस्य, कुछ आस्य के बाहर आ जाते हैं। सर्वेशम यावताम श्रवण संजय स्थिति तावताम, ऐसे किया शिवम सरस्वती ने।
तेन अनुस्वार यमा नाम अंतस्थ पंचम युक्त कारस्याद बहिर्भूत नासिको उरस्थानकत्वे नक्षति। यावता हम श्रवण सिंचते तावता हम सर्वेशा तो वर्ण ही आएंगे फिर तो इनके हिसाब से तो ना और सर्वम सरस्वती जो हम उस दिन देख रहे थे आस्यम अन्नम प्राप्य तद आस्यन दते द्रवी भवती कई इट वाला ही किया है फिर तो संदे अन्य स्वी दृश्यते अन्येन आस्यन्दते द्रवी क्रियते आस्यन्दते द्रवी क्रियते अंतर्भावित न्यर्थ से भी कर्म में डय हो सकता है अन्येन आस्यन्दते इसमें तुल्यता जो देख रहे हैं वो देश की वर्णों के बारे में तुल्यता देख रहे हैं वो देश और प्रयत्न की देख रहे हैं देश और प्रयत्न की पहले जो आस्य और प्रयत्न का द्वंद किया था तो वर्णों की आस्य और प्रयत्न तुल्यता देख रहे थे अब आस्य को बाहर ले लिया तो देश और प्रयत्न की तुल्यता देखने में तो फिर यदि ऐसा करें कि वर्णों का तो वो सब तुल्य ही है तो आस्य तुल्य है ऐसा तो प्रश्न ऐसे इन्होंने जो उत्तर दिया उस पर से ऐसा लग रहा है कि प्रयत्न विशेषणम आस्य ग्रहणम तो देश के बारे में समझकर इन्होंने प्रश्न उठाया सर्वेशां पद पर और तो किसी ने लिखा नहीं पर शिवराम सरस्वती ने तो इतना ही लिखा है उनके हिसाब से तो वर्ण ही आ रहा है ना यावताम श्रवण संजयस्यते तावताम देश तो नहीं आएगा ना इसके पीछे वाले जस्ट दिए है ना कि यदि लौकिकम आस्यम किमस्य उपादाने प्रयोजनम सर्वेषामि तत्तुल्यम यहाँ भी वर्ण ही दिया है आस्य एव सर्व वर्णनाम निष्पादात् इति भावः ये भी उसी तरह है ना यदि लौकिकम आस्यम किमस्य उपादाने प्रयोजनम और यहाँ पर भी लौकिकम आस्यम ही है यदि लौकिक आस्य है तो आस्य उपादाने किम प्रयोजन हाँ सर्वेशाम ही सभी वर्णों का उच्चारण तो आस्य से ही होता है आस्य वर्ण सर्व वर्णानाम निष्पादात ऐसा प्रदीप ने लिखा है आस्य का हम समास कर रहे थे ना आस्य और प्रयत्न का तुल्य आस्य देखना है तुल्य प्रयत्न तो फिर प्रश्न किया अभी आस्य तो तुल्य ही होता है सब वर्णों का अब यहाँ तुल्य देश और तुल्य प्रयत्न है तो यदि वर्णों का लें तो फिर सर्वेशाम ही देश तुल्यम ऐसा प्रश्न ऐसा लेकिन इन्होंने आस्य का प्रश्न बनाया है देश जो है सर्वेशाम देश नाम देश अलग से क्यों ग्रहण किया इन्होंने तो आस्य में जिनका तुल्य देश है और तुल्य प्रयत्न है तो कह रहे ना कि ये आस्य इसके लिए है ही नहीं जिन वर्णों का तुल्य देश है दो वर्णों का तुल्य देश देख रहे हैं ना तो आस्य कहने की क्या जरूरत है आस्य में तुल्य देश तो भिन्न देश तो होता ही नहीं है जो आप कह रहे हो वही बात भिन्न देश तो होता ही नहीं है कि दो देश आस्य से बहिर्भूत भी होता हो और अंतर्भूत भी होता हो तो आस्य विशेषण तो तब डालने की जरूरत पड़े जब आस्य से बहिर्भूत भी देश मिले प्रयत्न तो आस्य से बहिर्भूत भी मिलते हैं इसलिए यही उत्तर दे रहे हैं ना कि प्रयत्न विशेषण आस्य उपादान देश को विशेषित करने के लिए है ही नहीं वो ऐसे बता दिया देश समान हो दो वर्णों का और आस्य में प्रयत्न समान हो ये बात होगी मुख में प्रयत्न समान हो तो उनकी श्रवण संचय हो जाती जी ये 245 पृष्ठ में हाँ जी ये दाएं साइड जो पहला उद्योत है दाएं साइड जी जी ये 500 उदक के इति 500 उदक जी
प्रश्लिष्टो इत्यस्य प्रकर्षेण श्लिष्टो मिलितो इत्यर्थः। प्रश्लिष्टौ अवर्णौ एतो, ये बहुव्रीहि समास है। प्रश्लिष्टो अवर्णौ ययो तौ एकार उकारौ, एकार उकार जो है ना प्रश्लिष्ट अवर्ण है जिनमें, नात्र भाग विवेको अस्ति, प्रश्लिष्ट है। पांसुदक, पांसुदक तो वही होता है ना, जैसे पानी और धूल को यदि मिला दें तो जैसे भेद नहीं पता चलता। ततश्च तद अननुभवेन केवल तालवादी स्थान कत्वेन च नानयो सावर्ण्य प्राप्ति, उसका पता नहीं चलता है, स्थानों का पता नहीं चलता है ना, प्रयत्न का। यदि प्रारंभ इतने प्रयत्न एवं भी अवर्ण से एंगो से स्वर्ण संज्ञा प्राप्त होती, अवर्ण और एंग की स्वर्ण संज्ञा प्राप्त होती है, तो उत्तर देता है अवर्ण और एंग की नहीं हो सकती, क्योंकि प्रश्लिष्ट अवर्ण वाले हैं ये एकारोकार। एकारोकार में अवर्ण प्रश्लिष्ट है, अलग से विवेक ही नहीं हो पाता है। पांसुदक जैसे मिल जाते हैं तो ये जल है, ये पांसु, ऐसे विवेक नहीं हो पाता। इसी तरह से ए ओ में अवर्ण प्रश्लिष्ट है, जब उसका अनुभव ही नहीं होता तो केवल तालवादी स्थान का त्वेंच है ना नयो सावर्ण प्राप्ति, तो इनकी सवर्ण प्राप्ति हो नहीं सकती। तद अनुभवेन अननुभवेन, मानी भाग का अनुभव न होने से, अवर्ण का ए ओ में अनुभव न होने से भाग विवेको नास्ति। पांसुदकवत उसका भाग का अनुभव न होने से, ए ओ में भाग का अनुभव न होने से, ये बात कही थी ना, प्रारंभ यत्न प्रयत्न अवर्ण और एंग की श्रवण संज्ञा पाएगी, अवर्ण और एंग की श्रवण संज्ञा पाएगी तो दोष कहाँ आएगा, दोष दिया था ना गव्यम। श्रवण संज्ञा यदि होगी तो अनुदित श्रवण प्रत्यय ए जो है और ओ अकार का ग्रहण करा देगा। तुल्य स्थानत्वेन स्वसवर्ण आकार से तत्र सत्वेन, तद्वारा स्वसवर्ण आकार से तत्र सत्वेन, तद्वारा तुल्य स्थानत्वेन अवर्ण एंगोश्च सावर्ण गव्यम यस्यति लोप प्रसंग, गव्यम में यस्यति लोप होने लगेगा। तो ततश्च तद अनुभवेन केवल तालवादी स्थान कत्वेन च नानयो सावर्ण प्राप्ति, सावर्ण प्राप्ति होगी नहीं ना केवल तालवादी स्थान के द्वारा, तो ए ओ तालु है ना, अय का तो पता नहीं चलता है, सावर्ण प्राप्ति कैसे होगी। ठीक है, ये जो 244 में ये जो आखिरी में दिया है भाष्य में प्रारंभो यत्नस्य प्रयत्नः, फिर उसके बाद प्रदीप में दिया है दूसरी पंक्ति पंचमूर्धनि जो पश्चात मूर्धनि प्रतिहिते, वो तो अन्वय दिखाया है। ये जो प्रदीप ने लिखा है ना, नागेश ने उसका अन्वय करके दिखाया कि इसका अन्वय ऐसे करना चाहिए, आखिरी में दिखाया है मूर्धनि प्रतिहते वर्णोत्पत्ते पूर्वम स्पृष्टतादया पश्चात निवृत्ते प्राणाख्ये इति अन्वया कैयटे। प्राणाख्य क्या है गुरुजी? प्राणाख्य प्राण रूप, तत्र पूर्व में स्पष्टता दे चत्वार पश्चात मूर्धनि प्रतिहते निवृत्ते प्राणाख्य वायु। अच्छा, प्राण संज्ञा वाली जो वायु है, प्राण रूप वायु जब वापिस लौटती है, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मन कायाग्नि माहंति स प्रेरयति मारुतम। ये मारुत जो है प्राणाख्य वायु, मारुतस्तु चरण उर्सी मंद्रम जनयति, मंद्रम पाठ मताते हैं प्रचेता जी, मंद्रम जनयति स्वरम। तो ये जो मतलब उद्योत में जो ये इसकी व्याख्या की है, अन्वय किया है इसका गुरुजी, तो मतलब स्पृष्ट आदि के निवृत्त होने के पश्चात जो
जो प्राण आख्य है। हाँ, अन्वय यही है कि मूर्धा में पहले टकराती वायु, पहले सीधी नीचे से आकर मूर्धा, क्योंकि आगे तो और जाने का रास्ता बंद हो गया, फिर उस वायु का जिह्वा के साथ वर्णोत्पत्ति पूर्वम स्पृष्टता दया, वर्णोत्पत्ति से पहले उस जिह्वा का के साथ, जिह्वा के संयोग से स्थान के साथ जो टकराव होता है स्पृष्टतादि प्रयत्न, पश्चात निवृत्ते प्राणाख्ये, बाद में वो जो प्राण वायु है ना वापिस लौटता है ना, जो टकरा करके वापिस लौटता है, तो अब यहाँ गले में तंत्रिका तंत्र में कुछ हलचल होती है अलग अलग। निवृत्ते को कैसे जोड़ते हैं? निवृत्ते, निवृत्ते माने लौटने पर निवृत्त, जैसे ये टकराए गए तो वायु तो फिर वापिस लौटेगी ना, तो वापिस लौटने के बाद फिर इस तंत्रिका तंत्र में, मतलब क्रम ये हुआ, वायु यहाँ से चली मूर्धा में, मतलब जहाँ तक वो जा सकती है वो गई, टकराई जिह्वा ने स्पृष्टतादि प्रयत्न किए, उसके पश्चात ये वापस लौटने पर तंत्रिका तंत्र में कंपन जो होता है वो बाह्य प्रयत्न है, ऐसा बता रहे हैं। मंद्रम, मंद्रम, मंद्रम मानी गभीरम, मंद्रम जनयति स्वरम, मंद्रम जनयति स्वरम, मंद्र स्वभाव से आनंददायक अर्थ भी होता है, पर यहाँ मंद्रम का क्या अर्थ है? आनंद भी अर्थ होता है, स्वर का विशेषण मंद्रम स्वरम, मंदम तो नहीं कह रहे वो, मंद्रम पाठ है, एक और भी पाठ बता रहे थे अलग है, कई पाठ जो है ना, स्पष्ट जैसा कोई अर्थ होगा जो अलग अलग हम समझ सके, गहरा मंद्रम, मंद्रम गहरा, मंद्रम का अर्थ वैसे नीचा भी होता है, गहरा गंभीर, मंद ध्वनि भी मंद्रम के लिए एक प्रकार का, मंद्रम जनयति स्वरम, अर्थ तो वही हो जाएगा, मंद ध्वनि भी अर्थ किया एक, विशेषण तो विशेषण जब है तो नीचा गहरा गंभीर ऐसे अर्थ दिए, दोनों लग सकते हैं, मतलब स्पष्ट स्वर सुनाई दे जाता है कि कौन सा स्वर निकला, मंदम जनयति स्वरम, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थ, हाँ समर्थ, हाँ समर्थ्यर्थान, समेत्य की बजाय आत्मा बुद्धिया समर्थ्यर्थान, ऐसा उसको कहते हैं पाठ होना चाहिए, आत्मा बुद्धिया समर्थ्यर्थान, आत्मा बुद्धिया समर्थ्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, आत्मा बुद्धि से अर्थों का समर्थ्य समर्थन करके, अर्थों का विचार करके, समर्थ्य समर्थ्य अर्थों को विचार करके, मनोयुक्ते मन को प्रेरित करता है जी, ये 247 पृष्ठ पे जी जी चार समास जो दिखाए हैं जी, इनका अंतर और कैसे अर्थ बन रहा है चारों का एक बार, तीन में तो कोई अंतर है नहीं अर्थ में, तीन वाले जो आखिरी वाले हैं ना जी, इनमें अर्थ का अंतर नहीं पड़ेगा, केवल समास का ही अंतर कर करके ऐसे दिखा रहे हैं, जैसे त्रिपद बहुव्री कर लो, पूर्व तत्पुरुष करके बहुव्री कर लो, या पर तत्पुरुष करके बहुव्री कर लो, अर्थ में अंतर नहीं पड़ेगा जी, जैसे यूं कहें तुल्य आस्य प्रयत्नो ये शाम, ये त्रिपद बहुव्री हो गया, या आस्य तुल्य आस्य इति तुल्यास्य
तुल्यस्य प्रयत्नो ये शाम, इसमें भी वही अर्थ आएगा। आस्य में तुल्य, ये अर्थ निकला। आस्य में तुल्य प्रयत्न है जिसका, या फिर आस्य में जो प्रयत्न है, आस्य में जो प्रयत्न है वो आस्य प्रयत्न तुल्य है, आस्य में प्रयत्न जिसका, ये करेंगे तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। और पहले वाला जो द्वंद्वगर्भ बहुव्रीहि है तो उसमें स्पष्ट यूं कह रहे हैं कि तुल्य है स्थान और प्रयत्न जिसका। प्रयत्न का अर्थ ले लेंगे प्रारंभो यत्नस्य प्रयत्न, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न। यत्न का जो प्रारंभ है, दो यत्न है, एक बाद का यत्न एक पहला, तो प्रारंभिक यत्न आभ्यंतर प्रयत्न है, उत्तरवर्ती जो यत्न है वो बाह्य प्रयत्न है। तो तुल्य है स्थान और प्रयत्न जिसका, अर्थ तो वही जा रहा है, भाव तो वही जाएगा कि स्थान और प्रयत्न समान होने चाहिए। जब हम बहुव्रीहि करते हैं तो यूँ आता है कि स्थान में प्रयत्न समान होना चाहिए, तो स्थान भी वही हो गया और प्रयत्न भी हो गया, अंतर तो वहाँ भी नहीं जाएगा अर्थ का, पर कहने का एक प्रकार हो गया अलग अलग। देखिए स्थान में प्रयत्न तुल्य जिसका, तो स्थान को तो पकड़ ही लिया, इस स्थान में इस वर्ण का प्रयत्न तुल्य होना चाहिए इसके साथ। ये एक स्थान है, एक स्थान में दो चीजें समान रखी रहनी चाहिए। और ये एक ढंग है कहने का, एक ढंग यह है ये दो चीजें हैं, इनका स्थान और इनका प्रयत्न समान होना चाहिए। और स्थान में प्रयत्न, जैसे जब गढ़ दर्श है गुरु जी, स्थान तो अलग अलग है, या इनका स्थान एक ही माना जाए मुंह एक होने के कारण? नहीं नहीं, वो तो एकत्व विवक्षित है ना, तुल्य है, तुल्य ये आस्य में जो एक वचन है ना, एक स्थान में दो वर्णों का प्रयत्न तुल्य देख रहे हैं, एक स्थान में दो वर्णों का तुल्य, जैसे अ और आ मान लीजिए हमने पकड़े दो वर्ण, इन दोनों को एक स्थान में तुल्य देख रहे हैं। आस्य में एक वचन है ना, एक स्थान में दो वर्णों का प्रयत्न तुल्य देख रहे हैं, ये एक ढंग है। दूसरा ढंग ये है कि ये जो दो वर्ण है ना, इनका दोनों का स्थान और प्रयत्न, ये दो चीजें समान होनी चाहिए। दो वर्ण पकड़ करके और फिर बोले कि इन दो का स्थान और प्रयत्न समान होना चाहिए। क्या ये अर्थ हुआ कि स्थान और प्रयत्न जब दोनों समान होते हैं तभी सवर्ण संज्ञा होती है? जी, तभी सवर्ण संज्ञा होती है। और प्रयत्न सबसे आभ्यंतर प्रयत्न लेने हैं। जब हमने आस्य कहा तो यहाँ प्रयत्नम प्रयत्न ले सकते हैं, आस्य स्थान में प्रयत्न, स्थान में प्रयत्न तो आभ्यंतर प्रयत्न नहीं होते हैं, जो बाह्य प्रयत्न होते हैं स्थान में प्रयत्न नहीं होते हैं, वो गले में प्रयत्न होते हैं। ये बात समझने की है कि बाह्य प्रयत्न हमेशा गले में होते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न स्थान में होते हैं। हाँ, कंठ में भी, मुख का उच्चारण स्थान जो कंठ है उससे भी नीचे, तंत्रिका तंत्र में। मैं ये पूछना चाह रहा था गुरु जी, कहीं ऐसा भी है कि स्थान अलग अलग हो, प्रयत्न समान हो, तो भी सवर्ण संज्ञा होती हो? ऐसे पाणिनि व्याकरण में तो ऐसा है नहीं, नहीं है। तब स्पष्ट है कि स्थान और प्रयत्न दोनों समान हो तभी सवर्ण होगा। जी ठीक है जी। ये 246 पृष्ठ पर जी, अथवा कहकर के प्रारंभ यत्न से प्रयत्न, अथवा किन्न यतेन प्रारंभ यत्न से, ये हम क्यों, इसमें भी हमारा क्या आग्रह, किन्न यतेन हम वही रख लेते हैं सामान्य रूप से जो प्रयत्न का अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ है ना प्रारंभ यत्न से, तो हम सामान्य रूप से प्रयत्नम प्रयत्न भावसाधन प्रयत्न को मान लेते हैं। प्रारंभ यत्न तो वो ऐसा हो गया ना कि यत्नों में जो आरंभिक जो यत्न है,
ये जो समर्थों में जैसे प्रथम कहने से समर्थ ही आता है, तो यत्नों में जो प्रारंभ वो यत्न ही लेंगे, यत्नों में जो प्रारंभ यत्न, प्रारंभ यत्न से यत समानम तद आश्रयिष्यामः जी। तो इसमें ऐसे कह रहे हैं प्रयत्न में प्रयत्न तदेव च तदितान्तम आस्यम और तदितान्त आस्य है, यत समानम तद आश्रयिष्यामः जो समान है उसका आश्रयण करेंगे। किंच समानम तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, किम सति भेदे, हाँ किम सति भेदे, सतीत्याह इस विषय में यत समानम तद आश्रयिष्यामः जो बात कही तो फिर बोले किम सति भेदे, किम सति भेदे, एक प्रकार का प्रश्न, स्पृष्टत्तादि अभेदात विवार आदि भेदे भी यथा भवति तथा, क्या भेद होने पर श्रवण संज्ञा कर रहे हो, ऐसे प्रश्न उठा दिया जिज्ञासु ने, क्या भेद मान करके, तो भेद मान के करोगे तो फिर भेद तो दोनों तरफ होता है, जैसे स्पृष्टतादि समान है और प्रदीप ने लिखा ना स्पृष्टतादि अभेदात, स्पृष्टतादि तो समान है अभेद हैं, विवार आदि भेदे भी यथा भवति तथा स्पृष्टतादि भेदे भी विवार आदि अभेदात प्राप्नोति, प्रश्नकर्ता का ये भाव है उसके अंदर जो उस अधिकरण सिद्धांत जो बन रहा है ना पीछे जा करके, किम सती भेदे जो प्रश्न कर रहा है इसके पीछे उसके मन में जो बात है वो यह है कि फिर तो भेद होने पर यदि श्रवण संज्ञा करोगे तो विवार आदि भेद में भी श्रवण संज्ञा होने लगेगी, विवार आदि भेद में भी श्रवण संज्ञा होने लगेगी, जैसे स्पष्टतादि अभेद में श्रवण संज्ञा करते हो वैसे विवार आदि के अभेद में भी, विवार आदि स्पृष्टतादि तो भेद और विवार आदि का भेद हो तो फिर होने लगेगी। तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं नहीं सतीत्याह, बिल्कुल ये तो सत्येव भेदे, यत किंचित प्रयत्न भेदे सत्येव श्रवण संज्ञा भवति कुतः तत् भेदाधिष्ठाना श्रवण संज्ञा, यदि ही यत्र सर्वम समानम तत्र स्यात् श्रवण संज्ञा वचनम् अनर्थकम् स्यात्। और वो जो बात उसने उठाई थी ना कि उसमें विवार आदि भेद में भी होने लगेगी, तो उसका उत्तर तो ये मिल ही रहा है, इसके अंदर ही मिला हुआ है, अथवा किन्न एतेन प्रारंभो यत्न से तो रखा नहीं, प्रयत्न प्रयत्न रखा और तदितान्ताश्च रखा, तो अर्थ ये निकला तुल्य है स्थान और प्रयत्न जिनका। अब ये विनिगमक नहीं रहा कि प्रयत्न शब्द से हम आभ्यंतर प्रयत्न ही लें और भेद रहते हुए श्रवण संज्ञा होती है, ये निष्कर्ष निकल गया। तुल्य है स्थान और प्रयत्न जिनका, प्रयत्न के साथ ये हमारे को कोई विनिगमक नहीं मिल रहा कि आभ्यंतर प्रयत्न ही ले सकें, तो बाह्य प्रयत्न की समानता में भी श्रवण संज्ञा होने लगेगी, ऐसा कह रहे हैं। स्थान समान हो और प्रयत्न एक का अभ्यंतर और एक का बाह्य हो तो भी श्रवण संज्ञा हो जाएगी। हाँ स्थान तो समान है, जैसे आखिरी में वहीं पर पहुंच गए कि शकार छकार, शकार छकार है ना, शकार ठकार सकार थकार, इनकी श्रवण संज्ञा पाएगी, ये विनिगमक नहीं रहा कि हम आभ्यंतर प्रयत्न ही समान लेंगे, बाह्य प्रयत्न की समानता में भी, और सति भेदे वहां पर सकार छकार है ना, देखिए सकार छकार सकार थकार सकार थकार,
ये ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर दी कि सती भेदे श्रवण संज्ञा भवती चेत, भेद होने पर भी श्रवण संज्ञा होती है, तो इनमें भेद है, आभ्यंतर प्रयत्न का भेद है और बाह्य प्रयत्न समान है, इनका बाह्य प्रयत्न समान देख रहे हैं। हाँ, स्थान समान है और शाद है उष्णस्य, ये जो इनमें उष्मत्व भी तो है ना, सस्थाने द्वितीय, बहुत सारी समानता है, कुछ भिन्नता है, सस्थाने द्वितीय उष्मत्व है, जैसे ये उष्म है ये भी उष्म है, और आभ्यंतर प्रयत्न करण वर्जन सर्वम समानम, ये दे दिया सर्वमन्यत समानम करण वर्जम, करण इनका समान नहीं है, करण माने आभ्यंतर प्रयत्न समान नहीं है, इनमें भी उष्मत्व है ना सस्थाने द्वितीय के हिसाब से, ये भी उष्म है, ये तो उष्म है ही, ये भी उष्म है, कुछ भिन्नता रह गई, क्या भिन्नता रह गई, आभ्यंतर प्रयत्न भिन्न है, इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषद विवृत और इनका इनका होता है स्पृष्ट, ये बिल्कुल भेद है। तो यदि आपने ये कह दिया कि सती भेदे यत किंचित समानम किंचित भिन्नम भवति तत्र श्रवण संज्ञा भवति तदा अत्रापि श्रवण संज्ञा प्राप्नोति, इसलिए इस पक्ष को इन्होंने छोड़ दिया। ऐसे कह सकते कि जो समान है वो हम आश्रय कर लेंगे, तो स्थान समान है तो सिर्फ स्थान देख के श्रवण संज्ञा कर देंगे। हाँ नहीं, दो चीजें मानी ना, तुल्य है स्थान और प्रयत्न जिनका, जी प्रयत्न तो नहीं हो रहा समान, तुल्य है स्थान और प्रयत्न जिनका, इसके ऊपर कसेंगे, कुछ भेद होना चाहिए। तुल्य आस्यम, क्या था, तुल्य आस्यम प्रयत्नश्च, आप क्या कह रहे थे कि तुल्य स्थान और प्रयत्न जिनका, इनका प्रयत्न तो समान है ना, पर आभ्यंतर प्रयत्न भिन्न है, और ये सिद्धांत रख लिया कि कुछ भेद होने पर भी, कुछ भेद और कुछ समानता, कुछ भेद होने पर श्रवण संज्ञा हो जाती है, तो भेद तो है, प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न का भेद हो गया, स्थान का भेद भी नहीं और कुछ और भी तो समान है ना, यहाँ ये भी उष्म है ये भी उष्म है, स्थान और प्रयत्न दो देख रहे हैं, प्रयत्न समान मिला नहीं, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न समान नहीं मिला, पर बाह्य प्रयत्न में जो समान है वो ग्रहण कर लो, तो स्थान समान है तो सिर्फ स्थान देख कर हम, हाँ स्थान भी है और ये उसमें नहीं, ये तो है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं कहा ना कि फिर कहा किम सती भेदे, तो फिर बोले क्या ये तो भेद में भी हो जाएगी, आखिरी में ये कहा ना, आखिरी में पंक्ति लिखी है, एतेषां सर्वमन्यत समानम करण वर्जम, सर्वम लंबा शब्द बोला, सर्वम से केवल स्थान ही लेना होता तो कुछ और, सर्वम क्यों कहते, सर्वम अन्यत समानम करण वर्जम, केवल करण को छुड़वाया और बाकी सारे समान है, ऐसे कह दिया ना, ये इनके ध्यान में उष्मत्व वाली बात भी छिपी हुई है, ये भी उष्म है, और फिर उदाहरण इसी तरह के लाए हैं कि ये भी उष्म है और ये भी उष्म है, वो तो मानते ही हैं, इनका उष्म तो काशिका में और महावास में दोनों जगह आया कि सोष्मणा सोष्मणा इति द्वितीय प्रसक्ता, नादवतो नादवंता इति तृतीय प्रसक्ता, सोष्मणश्च नादवंतश्च ते भवन्ति चतुर्था, चतुर्थ वर्ण नादवान भी हैं उष्म भी हैं और द्वितीय वर्ण तो केवल उष्म है। इस बिंदु पर भी आचार्य विष्णुदेव जी बहुत जोर दे दो, इसको कोई कमी समझते हैं, ऐसे कहते थे महावासी की इसको कमी समझते हैं, और इसके कारण ये है कि वो जो सूत्रों की व्याख्या कर रखी है ना वो शिक्षा में, वो अधूरी व्याख्या, इस कारण से ये दिक्कत होती है।
समझने में। सादया ऊष्माणा के बाद जो सस्थानेन द्वितीय सूत्र है और हकारेण चतुर्था जो सूत्र है, उन दो सूत्रों की व्याख्या बिल्कुल अलग हट करके है। सस्थानेन द्वितीय से द्वितीय वर्णों का ऊष्मत्व बताया गया है, हकारेण चतुर्था के द्वारा चतुर्थ वर्णों का ऊष्मत्व बताया गया है, केवल सादृश्य मात्र नहीं बताया है। जी स्वामी जी ने महाप्राण ये लक्षित होता है ऐसे कर दिया है, दूसरे लोग उष्मता लक्षित करते हैं सादय के द्वारा, द्वितीय वर्ण के उष्मता को लक्षित करते हैं और ये महाप्राण आदि को लक्षित कर देते हैं। सादय उष्माणा तो साफ ही कह दिया ना, उष्म है ये, हाँ। शादी उष्म है हैं? जी महाप्राण वाला तो प्रसंग वो पहले ही बताबो तो दिया कि हाँ। एक अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा जी सस स विसर्जनीय ऐसे वहां पर वो जो सूत्र है ना उसमें ही आ गए सस स विसर्जनीय आ गए ना हाँ। शिक्षा सूत्र में और उसके बाद जो एक अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा उस सूत्र के द्वारा महाप्राणत्व तो बता ही दिया हाँ। फिर ये अलग से जो सूत्र चलाए अलग से जो बोले तो इस ये संज्ञा कर रहे हैं उनकी उष्म नाम रख रहे हैं शादय उष्माणा शादी वर्ण उष्म संज्ञक होते हैं सकार सस्थाने द्वितीया पे उष्माणा उष्माणा की अनुवृत्ति है उसमें हकारेण चतुर्था उष्माणा हकारम आश्रित्य चतुर्था उष्माणा हकार जैसे उष्म है वैसे चतुर्थ वर्ण भी उष्म है। तो यहां पर भी ये जो संगति बैठेगी ना जी एतेषां सर्वमन्यत समानम करण वर्जम और इनमें क्या समानता है ये देखिए विवार श्वास अघोष ये भी विवार श्वास अघोष 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 और महाप्राण यदि देखो तो ये भी महाप्राण ये भी महाप्राण सर्वमन्यत समानम बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं आप उष्मत्व भी दिखा सकते हो ये महाप्राण ये भी महाप्राण ये विवार श्वास अघोष ये भी विवार श्वास अघोष केवल एक चीज करण वर्जम जो लिखा है ना महाभाष्य की व्याख्या तभी पूरी होगी। गुरु जी ये करण तक करण को अभ्यंतर प्रयत्न तक कैसे पहुंच रहे हैं करण में ल्यूट करण में ही ला करके पहुंच रहे हैं। करण शब्द तो ये न निवर्त्यत निवर्त्यन्ति वर्णा तत्करणम करण तो जीवा होती है और जीवा के साथ जो जुड़े हुए प्रयत्न है उसको भी उसके सानिध्य से साहचर्य से लक्षणा से ऐसे जी या उससे भी वर्ण उच्चरित होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न आदि से इसीलिए ये न से वो भी आ सकते हैं ऐसा कह सकते हैं ये न निवर्त्यन्ते वर्णा तो अभ्यंतरेण अभ्यंतर प्रयत्नेन अपि निवर्त्यन्ते वर्णा ऐसा कह सकते हो वैसे पर जैसे वो प्रथमयो शब्द है ना प्रथमयो पुरुष वर्ण प्रथमा के सन्निधि वाले को भी प्रथमा कह देते हैं जी ऐसे ही जो करण की सन्निधि में जो प्रयत्न होता है उसको भी करण कह दिया करण के साचर्य में करण के साथ जो प्रयत्न होता है ना जी जीवा तो करण है जीवा मूल जीवा मध्य आदि करण है और उसके साथ में जो प्रयत्न निष्पन्न होते हैं उनको भी करण कह दिया। ये जो है सर्वमन्यत समानम करण वर्जम करण एक भिन्न है बाकी तो समान ही है बाह्य प्रयत्न समान है महाप्राण समान बाह्य प्रयत्न तो खैर लंबा चौड़ा शब्द है एक एक नाम लेकर के कहें तो विवार श्वास अघोष समान है महाप्राण समान है उष्मत्व समान है केवल एक करण का भेद है। तो सती भेदे यदि हम ले लेते हैं तो
तो इसलिए नागेश ने यहाँ सार निकाला, तस्मात प्रारंभो यत्न स्थिति आवश्यकम। प्रयत्नम प्रयत्न नहीं कह सकते हम, प्रारंभो यत्न से कहना ही पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में द्वंद्वगर बहुब्री भी मानते हैं, लेकिन प्रयत्न शब्द का अर्थ प्रारंभो यत्न से करना होगा। प्रारंभो यत्न से करते ही हम उसमें आ जाएंगे, आभ्यंतर प्रयत्न पर आ जाएंगे, बाह्य प्रयत्न छूट जाएंगे प्रारंभो यत्न से के द्वारा। तस्थिति तो वक्तव्यम किम प्रयोजनम यो यस्य, ये तस्य जैसा वार्तिक आगे भी एक जगह कहा है, 420 पृष्ठ पर देखिए, जैसा ये है ना तस्य, तस्य तो नहीं कहा, प्रत्यात्म वचनम च ऐसे कहा है, बिल्कुल इसके समान ही उसकी स्थिति बना करके प्रस्तुत किए। वहां पर स्थाने अंतरतमा सूत्र है, उसमें बोले प्रत्यात्म जो जिसके साथ अंतरतम है वो उसी के साथ प्रत्यात्म वचनम च यो यस्य अंतरतमा सैतस स्थाने तस्य, जो जिसका अंतरतम है वो उसके स्थान में हो। स्थानी स्थान्यात्मनो अंतरतमा यो यस्य अंतरतमा अन्य से अंतरतमो अन्य से स्थाने माबूत, अन्य का अंतरतम अन्य के स्थान में ना हो, ऐसे कहा यहाँ पर प्रत्यात्म वचनम। आत्मानम आत्मानम प्रति इति प्रत्यात्मम, स्थान्यात्मना अंतरतमा स्थानी पदार्थस्य अंतरतमा, स्थान्यात्मना का अर्थ है स्थानी, जो स्थानीय पदार्थ है उसका अंतरतम कहना चाहिए, आदेश को स्थानीय का अंतरतम कहना चाहिए, ऐसे वहां पर कहा। यो यस्य अंतरतमा स तस्य भवति कहना चाहिए, अन्यस्य अंतरतमा अन्यस्य स्थाने माभूत, अंतरतम तो किसी का और किसी के स्थान में हो जाए, ऐसा ना हो। अब देखिए तस्थिति बिल्कुल उसके साथ ही इसकी तुलना करके देख सकते हैं, यो यस्य तुल्यास्य प्रयत्न स तस्य श्रवण संजो यथा स्यात्, अन्यस्य तुल्यास्य प्रयत्न अन्यस्य श्रवण संजो माभूत, अन्य के साथ तुल्यास्य प्रयत्न वाला है, स्थान प्रयत्न वाला है, अन्य के साथ श्रवण संजय हो जाए। जैसे यदि हम तस्य नहीं कहेंगे तो वर्णांतर अपेक्षा तुल्यास्त प्रयत्न हो गया, किसी वर्ण की अपेक्षा से तुल्यास्त प्रयत्न हो गया। हमने ये देखा कि ये जो है अ है ये आ की अपेक्षा तुल्यास्त प्रयत्न है, अ और फिर क्या किया ई के साथ श्रवण संज्ञा हो जाए, तुल्यास्त प्रयत्न तो देख लिया आ के साथ श्रवण संज्ञा कर दी ई के साथ। सूत्र का क्या फायदा, रेफो स्मणाम निवृत्त्यर्थ स्यात् सूत्रम, रेफ और उष्म की श्रवण संज्ञा को हटाने के लिए हो सकता है, क्योंकि वो किसी के साथ श्रवण नहीं होते तो ये सूत्र उनको हटाने के लिए मान सकते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। क्योंकि रेफ और उष्म जो होते हैं ना वो श्रवण नहीं होते किसी के भी, तो जब हम यूं कहेंगे जो जिसका अंतरतम है, ऐसे वर्णों की श्रवण संज्ञा होगी किसी दूसरे के साथ जो किसी जो जो है तुल्यास्य प्रयत्न वाला है, रेफ और उष्म तुल्यास्य प्रयत्न वाले नहीं किसी के साथ, जैसे ये इन वर्णों की श्रवण संज्ञा नहीं होगी किसी दूसरे के साथ, कहा ना रेफ उष्मणाम सवर्णान संति, तो रेफ और उष्म की श्रवण संज्ञा नहीं होगी किसी के साथ। पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है वो समझना होगा, ठीक है।
तस्य वचनम वचन प्रामाण्यात्। वार्तिकार स्वयं कह रहे हैं, पूर्व पक्ष का उत्तर दे रहे हैं, वार्तिकार स्वयं तो पूर्व पक्ष रख रहे हैं, स्वयं उत्तर पक्ष बना रहे हैं। तस्य अवचनम, तस्य कहने की आवश्यकता नहीं है। अन्यस्य तुल्यास्प्रेतनो अन्यस्य श्रवण संज्ञा कस्मन भवति, जैसे अ आ के साथ तुल्यास्प्रेतन है ना, ई के साथ श्रवण संज्ञा क्यों नहीं होती? तुल्यास्प्रेतनम ये कहा है कि तुल्यास्प्रेतन वाला हो श्रवण संज्ञक होता है, किसी के साथ भी हो जाए, तो यहाँ क्यों नहीं होती? उत्तर देते हैं वचन प्रामाण्य से, श्रवण संज्ञा वचन सामर्थ्यात्। यदि अन्यस्य तुल्यास्प्रेतनो अन्यस्य श्रवण संज्ञा स्यात्, श्रवण संज्ञा वचनम अनर्थकम स्यात्, श्रवण संज्ञा ही व्यर्थ हो जाएगी। एक तो ये उत्तर दे दिया, ठीक है जी। कोई उस पूर्व पक्ष का, जो उस पूर्व पक्ष की बात थी ना रेफ उसम वाली, उसका उत्तर यहां ये बनेगा कि रेफ का रेफ तो सवर्ण होता ही है, उष्म के उष्म तो सवर्ण होते ही हैं, जैसे शय का सवर्ण है ही, र और उष्म का दूसरा कोई सवर्ण नहीं होता, उसका तो ये तात्पर्य है। रेफ और उष्म को हटाने के लिए सूत्र नहीं बन सकता है, क्योंकि रेफ का भी रेफ सवर्ण होता है, उष्म का भी उष्म सवर्ण होता है। रेफोष्मणाम इत्येतत् विजातीय सवर्ण अभाव प्रतिपादन परम, केवल इतनी बात कही है कि विजातीय कोई सवर्ण नहीं होता है इसका, रेफ और उष्म का। नागेश ने लिखा है ना, रेफोष्मणाम इत्येतत् विजातीय सवर्ण विजातीय नहीं होता है जी, रेफ का रेफ। रेफ का सवर्ण रेफ है, रेफ रेफ माने व्यक्ति पक्ष में एक रेफ है एक और रेफ है, तो रेफ का सवर्ण रेफ है, दो रे हैं। अच्छा, दो र आए हों तभी ये बैठेगा उदाहरण जी। तो ऐसे तो सभी हैं गुरु जी, रेफ को ये विशेष क्यों कहा? वो एक सूत्र बना रखा है ना वर्णोच्चरण शिक्षा में, रेफोष्मणाम सवर्णाने संति। कोई ये कहे, अब ये कोई ये कहे, कोई ये कहे, ऐसे सोच सोच करके ना उत्तर देते रहते। कोई ये कहे कि रेफ और उष्म की सवर्ण संज्ञा को हटाने के लिए ये सूत्र हो जाएगा, बाकी अ और आ का तुल्यास प्रयत्न देख करके और अ ई के साथ सवर्ण संज्ञक होता है, ऐसा हम कर सकते हैं, हम इस सूत्र का ऐसा विनियोग कर सकते हैं। उसको उत्तर देंगे कि रेफ उष्म में ये कहा गया है कि इसका कोई विजातीय सवर्ण नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि रेफ का रेफ ही सवर्ण नहीं, उष्म का उष्म ही सवर्ण नहीं, ऐसा तो नहीं है। रेफ का भी रेफ सवर्ण होता है, उष्म का भी उष्म सवर्ण होता है। उष्म तो कई हैं, उष्म का सवर्ण उष्म होता है, उसका और कोई सवर्ण नहीं, और कई कह रहे हैं। तो रेफ अंश में तुल्यास प्रयत्न का असंभव है ही, और नागेश कहता है उष्म सु और उष्म वर्णों में नाच झलो इति निषेधात इति बोध्यम, उष्म वर्णों में नाच झलो निषेध कर रखा है, एवं च व्यावर्त्य अभाविन श्रवण संज्ञा वचन सामर्थ्यात् यस्य तस्य इति लभ्यते। यस्य और तस्य ये दोनों प्राप्त हो जाएंगे, कैसे? तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्यास्य प्रयत्नो यस्य तस्य, तस्य जो है प्राप्त हो जाएगा ना, जब हम यस्य कह रहे हैं तस्य, तुल्य है स्थान में प्रयत्न जिसका, उसकी उसके साथ, जिसके साथ तुल्यास प्रयत्न है उसका उसके साथ श्रवण संज्ञा होती है सामर्थ्य। इस सूत्र का कोई व्यावर्त स्थल नहीं मिल रहा है, ये सूत्र किसी को हटा सके, जैसे हम सूत्र बनाया तुल्यास प्रयत्न सवर्णम, वो बोले कि इस सूत्र का व्यावर्त स्थल वो हो जाएगा जहाँ रेफ और उष्म आएंगे ना, वो किसी का वो है ही नहीं। माने तुल्य आस्य प्रयत्न वाले सवर्ण होते हैं, रेफ उष्म में कही है कि रेफ उष्मणा नाम सवर्णा ने संति, और इसमें ये कहा गया है कि तुल्य आस्य प्रयत्न वाले सवर्ण होते हैं किसी के साथ भी, जो दो
जो परस्पर तुल्यास प्रयत्न है किसी के साथ भी श्रवण संजयक होते हैं, है ना। तो ये जो कह रहा है सूत्र, रेप उसमें भी घटेगा। कैसे? रेप का रेप के साथ सवर्ण है, उष्म का उष्म के साथ सावर्ण है। तो जो ये कह रहे हैं ना कि तुल्य है स्थान और प्रयत्न जिनका, वे किसी के साथ भी सवर्ण होते हैं, किसी के साथ भी सवर्ण होते हैं। तो इसका व्यावर्त स्थल कुछ भी नहीं बच रहा है। ऐसे कोई वर्ण नहीं है कि जिनके स्थान प्रयत्न हम ये कहीं पर ये दिखा सकें कि देखो यहाँ सूत्र नहीं घट रहा है, इस सूत्र का व्यावर्त स्थल ये है। हम कोई ऐसा प्रसंग दिखा नहीं सकते हैं। हम सब जगह यही देख पाएंगे कि देखो ये तुल्यास्त प्रयत्न वाले हैं, देखो ये तुल्यास्त प्रयत्न वाले हैं, ये किसी के साथ भी श्रवण संजयक होते हैं। तो ये सूत्र तो फिर एक प्रकार से बनाना न बनाना बराबर हो गया। तुल्यास्त प्रयत्न वाले तो सभी हैं, ये विशेषण डालने की क्या बात हुई? तुल्यास्त प्रयत्न वाले सवर्ण होते हैं किसी के साथ, तुल्यास्त प्रयत्न वाले तो होते ही हैं वर्ण, कोई ना कोई होता ही है किसी के साथ तुल्यास्त प्रयत्न वाला। रेप उसमें भी रेप रेप के साथ, उष्म के साथ तुल्यास्त प्रयत्न होता है। तो ये जो विशेषण डाला तुल्यास्त प्रयत्न वाले सवर्ण होते हैं, ये विशेषण जिसके साथ तुल्यास्त प्रयत्न वाला है उसी के साथ वो सवर्ण होता है, यही बात बताने के लिए है। ये नहीं कि जो किसी के साथ तुल्यास्त प्रयत्न एक बार देख लिया अब किसी के साथ भी श्रवण संजय कर दो इसकी, एक बार तुल्यास्त प्रयत्न देख लिया अब किसी के साथ भी श्रवण संजय कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। जो आप कह रहे हो यही तो कहा है 248 पृष्ठ पर, जो आप बोल रहे हो यही तो कहा है वार्तिकर्ण, तस्य अवचनम वचन प्रामाण्यात। तस्य कहने की जरूरत नहीं है वचन प्रामाण्य से, माने यस्य कह रहे हैं तो तस्य अपने आप आ जाएगा। जब हम ये कहेंगे कि तुल्यास्य प्रयत्नो यस्य तस्य, ये जो तस्य कह रहे हैं तो मात्र तस्य कहने से ही इतना शब्द कैसे ले जाएंगे कि जिसकी स्वर्ण संज्ञा उसके साथ ही, इतना कैसे लेते हैं? नहीं, वो तो इतना तो सूत्र में कह ही रखा है, तुल्य है स्थान और प्रयत्न जिसका, अब कह रहे हैं उसका उसके साथ स्वर्ण सावर्ण होता है, तस्य अन्य के साथ नहीं, तस्य तेने सह, इतना कहते तो हो सकता। वो तो ऐसा कहने से क्या बात आएगी? मान लीजिए कह भी दिया किसी ने, ये जो बोल रहे हैं ना कि मतलब जिसका जिसके साथ तुल्यास्य प्रयत्न उसकी किसी और अन्य के साथ भी हो जाती है श्रवण संजय, ये निकलेगा फिर, हो जाती है। हाँ। तो फिर तस्य कह देंगे तो फिर नहीं होगी। तस्य ये कह दिया ना कि तुल्य है आस्य और प्रयत्न जिसका जिसके साथ उसकी उसके साथ श्रवण संजय होती है। तस्य कहने से तुल्य है स्थान प्रयत्न जिसका जिसके साथ उसका उसके साथ सावर्ण होता है। तो अ का तुल्यास्त प्रयत्न है ना आ के साथ, तो आ के साथ ये सावर्ण होता है, उससे हट करके ई के साथ जा रहे थे, बोले तस्य नहीं कहोगे तो यूं हो जाएगा तुल्यास्त प्रयत्नम, तुल्य आस्य प्रयत्न वाला वर्ण, तुल्य स्थान और प्रयत्न जिसका वो वर्ण किसी के साथ भी सवर्ण हो जाएगा। किसी के साथ देख लिया हमने स्थान प्रयत्न तुल्य कि देखो ये तुल्य स्थान प्रयत्न वाला, अब किसी के साथ भी सवर्ण संजय होने लगेगी। तो इसलिए तस्य से सीमित कर दो कि जिसके साथ वो तुल्यास्त प्रयत्न है ना उसी के साथ सवर्ण होता है, ये तो लिखा है। योयस्य तुल्यास्त प्रयत्न स तस्य सवर्ण संजो भवति, अन्यस्य तुल्यास्त प्रयत्नो अन्यस्य सवर्ण संजो महाभूत। अन्य का तुल्यास्त प्रयत्न अन्य के साथ श्रवण संजयक नहीं होता। यदि ये नहीं बनाएंगे तो वर्णांतर अपेक्षा तुल्यास्त प्रयत्नत्वेन सवर्णत्वे तदाश्रयम अन्यस्यापि कार्यं प्राप्नोति। जब हमने तुल्यास्त प्रयत्न के आधार पर सवर्णत्व प्राप्त कर लिया तो तदाश्रित अन्य का भी कार्य पाएगा, ऐसे पूर्व पक्ष देख रहा था। उत्तर पक्ष ने ये कहा कि तस्ति अयम अनुकरण शब्द तस्त्यस्य अवचनम इत्यर्थ, तस्य अवचनम अनुकरण शब्द है, तस्य इसके कहने की जरूरत नहीं है। तस्ति तस्य अवचनम
अनुकरण शब्द है तस्य अवचनम और समास कर दिया, तस्य अवचनम के साथ तस्य इत्यस्य अवचनम षष्ठी समास कर दिया। जो ये वचन बनाया है ना, ये रेफोस्माना सवर्ण नासंति, तो ये इसकी पा किससे रही थी, मतलब बना क्यों किया, मतलब ये किसी से तो पारी होगी ना पहले, रेफ और उसमें की सवर्ण संज्ञा, रेफ और उसमें की सवर्ण संज्ञा, रेप और उसमें की जो सवर्ण संज्ञा है यहाँ पा रही है ना, जैसे किंचित सादृश्य में पा रही है, रेप और उसम की सवर्ण संज्ञा पा किस रही थी, रेप और उसम, रेप और उसम की सवर्ण संज्ञा उस पक्ष में ना जलो जो सूत्र है ना हो तो फिर देख सकते हैं उसको निषेध ना मानकर गुरुजी वो सूचना मात्र मान ले है? जरूरी नहीं ना कि निषेध सूत्र बनाए तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम के लिए, उन्होंने देखा कि रेप और उष्म वर्णों के ना तो प्रयत्न समान होते ना स्थान दूसरे वर्णों के साथ, तो बस एक वचन बना दिया कि रेप उष्माणा सवर्णा ने समझे, जैसे अ और ह इसकी सवर्ण संज्ञा पाएगी, श और ई की सवर्ण संज्ञा पाएगी, तो रेप उष्माणान सवर्णा ने संति ऐसे मान सकते हैं, ना जलो सूत्र ना हो तब की बात है। ये भी एक बात समझनी पड़ेगी कि इनका भी ये जो अ और है ना, जैसे है जैसे ये विवृत प्रयत्न होते हैं, इनको भी विवृत प्रयत्न मानते हैं पक्षांतर में, ठीक है, तो फिर कह देंगे कि रे फोष्मणाम सवर्णान संति, र और श है जैसे ऋटु रसा मूर्धन्य प्रयत्न भिन्न है, र जो है उसका स्पृष्ट प्रयत्न है और श का विवृत प्रयत्न है, सवर्ण संज्ञा तो इन्हीं की पाती है, अनुवाद हो सकता है ऐसे आप बोल रहे थे, अनुवाद वही होता है, अनुवाद माने जो रेप उष्म की सवर्ण संज्ञा नहीं पाती है ना उसी का कथन मात्र है, अनुवाद बोलते हैं, कथन मात्र है, विधान न होकर के अनुवाद कथन कर सकते हैं। तस्य अवचनम पकड़ में आया आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, तस्य जो है अनुकरण शब्द है उसका षष्ठी समास कर रखा है अवचन के साथ, तस्य इत्ते तस्य अवचनम, तस्य इसका अवचन सिद्ध है, ये तस्ति अवचनम न वक्तव्यम, अन्यस्य तुल्यास प्रयत्न अन्यस्य सवर्ण संज्ञा कस्मान् भवति वचन प्रामाण्यात्, सवर्ण संज्ञा वचन सामर्थ्यात्, यदि ही अन्यस्य तुल्यास प्रयत्न हो अन्य सवर्ण संज्ञा स्यात् सवर्ण संज्ञा वचनम अर्थकम स्यात्। ये जो है देखिए अ और आ का तुल्यास प्रयत्न समान देखा और ई के साथ इसकी सवर्ण संज्ञा कर दी, तो सवर्ण संज्ञा वचन ही व्यर्थ हो जाएगा, सवर्ण संज्ञा तो की थी इसको अ और ई की सवर्ण संज्ञा ना हो इसको हटाने के लिए और उसी की सवर्ण संज्ञा कर दी तो ये व्यर्थ हो जाएगा, अ और आ का देख रहे हैं और ई के साथ जाकर के सवर्ण संज्ञा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही प्रसंग वो है जो अभी मैंने बताया तुल्यास प्रयत्न स्थानांतरतमा वाला। संबंधी शब्दैर वा तुल्यम तस्य जो है ये अनुकरण शब्द है, अनुकरण शब्द जो होते हैं वो प्रातिपदिक हो जाते हैं, तो तस्य एक प्रातिपदिक हो गया, इससे षष्ठी विभक्ति लाए तस्य से, तस्य उसकी पृष्ठभूमि ऐसे होती है, ये जो तस्य शब्द है ना उसका अनुकरण किया, ये एक और शब्द लिया अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये अर्थवान एक शब्द हो गया, इसका अर्थ है ये शब्द, इसका अर्थ होता है उसका, ये जो तस्य इसका अर्थ तो है उसका, और ये तस्य शब्द है वो शब्द जिसका अर्थ उसका ये होता है, उस शब्द का संकेत मात्र कर रहा है,
तो इसलिए फिर ये एक प्रातिपदिक हो गया तस्य, अर्थवान शब्द हो गया अनुकरण होने से, अनुकरण शब्दों का अर्थ अनुकार्य होता है, तो ये एक सार्थक शब्द हो गया। अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम प्रातिसंज्ञा हो गई, इससे षष्ठी ले आए गंस विभक्ति ले आए, वचन सु ऐसा समास हो गया, वचन सु सुपो धातु प्रातिपदिक इसका और इसका लुक हो गया। तस्य अवचन, अवचन शब्द है ये, तस्य अवचन, फिर ये आकाशवाण दीर्घ हो गया, तस्य अवचनम, तस्य तेतस्य अवचनम, उसी से करते ही तो विभक्ति है, गंस का लुक हो जाएगा, या तो उसका लुक करो। पर ये हम कहना ये चाह रहे हैं तस्य इत्येतस्य अवचनम, तस्य इसका, इस शब्द का अवचन है। यहां जो ये तस्यापत्यम है ना, यहां पर भी तस्य को अनुकरण मानकर और पंचमी गंसी विभक्ति सुपाम सुलुक से इसका लुक कर दिया, तो अर्थ क्या निकलेगा, षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात, तस्य अपत्यम षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात अपत्यम अर्थे यथावीतम प्रत्यभूति। हाँ सभी में तस्य तो षष्ठी का उपलक्षण है, हाँ जी यही कह रहे हैं, तस्य तेतस्य अवचनम, वचन प्रामाण्यात एक उत्तर दिया, श्रवण संज्ञा वचन व्यर्थ हो जाएगा यदि परस्पर दूसरे के साथ श्रवण संज्ञा होने लगे। दूसरा संबंधी शब्दैर्वातुल्यम, संबंधी शब्दैर्वापुनस्तुल्यम तद्यथा, ये जो उद्योत में लिख रहे हैं रेफोस्माणम इत्येतत् विजातीय वर्णाभाव प्रतिपादन परम इत्यर्थः, विजातीय सवर्ण अभाव प्रतिपादन परम, रेफोष्मणाम जो है विजातीय, विजातीय सवर्ण अभाव प्रतिपादन परम, विजातीय वर्णों के साथ इनकी सवर्णता सवर्ण संज्ञा नहीं होती, इतना ही उसको बताने के लिए है। रेफस्यापि रेफो सवर्णो भवत्येव, वैसे कहा था ना प्रदीप ने जी, तो उस पर लिख रहे हैं वस्तुतः तत्शब्देन पूर्वोक्तस्य वचन पूर्वोक्तस्य तस्य शब्द से वक्तुम युक्तम दो प्रतिपत्ति लाघवादा। कैयट ने जो व्याख्या की तस्य अवचनम इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष इति भाव, तस्य अवचनम ये मैंने बतलाया आपके सामने जो रखा वो यही है, एवं च श्यो न विभक्ति लुग अभावा, एवं से नागेश ने दिखाया कि ये जो श्य है ना ये विभक्ति नहीं है इसलिए इसका लुक नहीं होगा, तस्य अनुकरण शब्द है इसका लुक नहीं होगा, अपना एक मत भी दे रहे हैं वस्तुतः है। ये तो कैयट की बात हो गई, तस्य अवचनम, तस्य वचनम मैं इसको अभी पढ़ रहा हूँ, आपने दोबारा चलाई ना बात, तस्य वचनम षष्ठी तत्पुरुष भावा एवं श्यो न विभक्ति लुग अभावा, वस्तुतः वस्तुतः मानी प्रतिपत्ति लाघव से हम दूसरे रास्ते से भी पहुंच सकते हैं तस्य वचनम में, जो स्य का अर्थ तस्य में जो स्य पहले वाला जो अनुकरण ये वाला देखिए, हाँ अनुकरण शब्द का स्य, हाँ ये विभक्ति नहीं है इसका लुक नहीं होगा जी, या फिर वस्तुतः तत् शब्देन पूर्वोक्तस्य तस्य शब्दस्य परामर्श, ये जो तस्य शब्द है ना पहले वाले वार्तिक में जो तस्य था ना उसकी तरफ इशारा कर रहा है, तस्य अर्थात तस्य शब्द से, ये जो तत्शब्द है पहले वाले तस्य की तरफ संकेत कर रहा है, तस्य तत् तत्शब्द से षष्ठ्यन्तस्य अवचनम, उसका कथन करना आवश्यक नहीं है। नागेश ने कहे तस्य अवचनम, तस्य माने पहले वार्तिक में जो तस्य कहा उसको कहने की जरूरत नहीं है। हैं जी, हाँ वो तो पक्षांतर बता रहे हैं,
पक्षांतर बता रहे हैं। वस्तुतः तत्शब्देन पूर्वोक्तस्य तस्य शब्दस्य परामर्शः इति वक्तुम् युक्तम्। कहते हैं वो ऐसा कहें तो और ज्यादा अच्छा है, प्रतिपत्ति लाघव रहेगा, ये इसकी बजाय प्रतिपत्ति लाघव रहेगा। हैं? खंडन भी कर रहे हैं और पूरा खंडन भी नहीं कर रहे हैं। वक्तुम युक्तम और भी ज्यादा अच्छा है, वो भी ठीक है पर और भी ज्यादा अच्छा है, खंडन करते हैं, चिंतम कह देते हैं। खंडन तो है पर ये थोड़ा सा धीमा खंडन है, हैं? हैं? कई तरह से खंडन किया है वैसे प्रदीप का। तो वस्तुतः कह करके, ये वस्तुतः वस्तुतः बहुत जगह आएगा। नागेश जो है वस्तुतः कह करके अपनी बात कहता है तो वो भी एक तरीका है खंडन करने का, और कहीं कहीं चिंत्यम कह करके तो साफ ही खंडन कर देता है। पर ये वैसे आग्रह है, ग्रस्त नहीं है जैसे श्री राम सरस्वती की तरह जो है आग्रह ग्रस्त नहीं है कि मेरे को खंडन करना है। हाँ तो फिर संबंधी शब्द ही तुल्यम, संबंधी शब्द ही वाक्य में इसको एक बार रह गया ये रेफस्मानम इत्यतत् जो पूछा था विजातीय सवर्ण भाव प्रति आगे पूरा ये जो बता रहे हैं। रेफंस से तुल्यास प्रयत्न असंभव है, रेफंस में तो तुल्यास प्रयत्न का असंभव ही है ना, मैंने जो बताया वही कह दिया, ये तो स्पष्ट हो गया। देखिए यूं कह रहे हैं रेफंस में, मैंने यही कहा था कि रेफ में तो देखो मिलता नहीं है, हैं? रेफ में तो मिलता नहीं है, रेफ को कोई और वर्ण लो तो मिलेगा नहीं, उसमें तो ना जलो बना ही रखा है जी। वो तो मैंने बताया था ना कि जैसे स और ई, ह और अ, इनकी सवर्ण संज्ञा प्राप्त है तो रेफोष्मणाम सवर्णान संति जो काम कर रहा है वही नाच झलो कर रहा है। अन्यत्र तो गुरुजी सजातीयता में ये सवर्णता देख रहे थे, अभी रेप और रेप इन दोनों में देख करके कहने लग गई। नहीं वो नागेश ने जो कहा है ना वो तो यही है, देखिए ये यूं कह रहे हैं रेफंस में तो कोई ऐसा हमारे को मिलता नहीं कि सवर्ण प्राप्त है जी, और यहाँ प्राप्त होगा यदि यहाँ देखते हैं कि सवर्ण प्राप्त है श और ई का है और अ का, तो उसके लिए कह रहे हैं तो नाथ जलो सूत्र बना ही रखा है उसके लिए तो। जी रेफोष्मणाम सवर्णान संति में उष्म वर्णों के लिए तो बना ही रखा है तो, और रही बात रह की तो कह रहे हैं रह में कोई ऐसा वर्ण मिलेगा नहीं जहां पर, जो ये आपत्ति उठा रहे ना अभिम जी की इसकी पाति किससे है, वो नागेश ने बात उभारी कि ये रह की सवर्ण संज्ञा पाएगी किससे, किसी से, किसी के साथ नहीं पाएगी, और उष्म वर्णों में पा सकती है उस पक्ष में जब उष्म वर्णों का भी आभ्यंतर प्रयत्न समान माना जाए स्वरों के साथ। उष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न दो पक्ष है ना उसमें जी, उष्म वर्णों का ई अ के साथ जब आभ्यंतर प्रयत्न समान माना जाए श और कौन सा हो सकता है, श और कौन सा हो सकता है इधर मूर्धावर्ण री, और स और क्या हो सकता है लरी, ठीक है गुरुजी ऐसा कह रहे हैं मुझे लग रहा है। ये देखिए तो अपने प्रदीप जो कह रहे हैं रेफस्य अपि रेफस्य सवर्ण भवती एव, इसको बताना चाह रहे हैं कि रेप का रेप सवर्ण होता है ऐसा कहना ये तो केवल ही केवल प्रतिपादन पर परमित्यर्थ ऐसे ये कह रहे हैं। विजातीय सवर्ण अभाव प्रतिपादन परमित्यर्थ ये वास्तव कथन नहीं है, ये थोड़ा सा कैयट का खंडन न करते हुए उसका थोड़ा खंडित हो जाने वाले वाक्य को थोड़ा
संगति लगाना चाह रहे हैं। रेफस्मानम इत्येतत् विजातीय सवर्णाभाव प्रतिपादन परम इत्यर्थ। ये जो एक शिक्षा सूत्र है ना, उसकी बात कह रहे हैं। शिक्षा सूत्र जो हमें मिलता है, रेफोष्मणाम सवर्णा न संति, तो कह रहे हैं वो जो रेफोष्मणाम सवर्णा नहीं है, वो विजातीय सवर्णों का अभाव दिखाने के लिए है वो वचन। शिक्षा सूत्र में ये वचन बनाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा सूत्र का ये वचन एक प्रकार का, हमने जो निष्कर्ष निकाला था ना, बिल्कुल वो की वो बात कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं, ये विधिवाक्य तो हो नहीं सकता है, ये एक प्रकार का अनुवाद कथन मान सकते हैं। स्पष्टता के लिए ऐसे बोल दिया है, इसकी जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? कहते हैं रेफंस में किसी के साथ सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं, रे की किसी विजातीय के साथ सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं, और रही बात स आदि वर्णों की, इनकी सवर्ण संज्ञा प्राप्त है तो उसके लिए नाच झलो बनाई रखा है। स्थान और प्रयत्न समान हो तब होती है ना सवर्ण संज्ञा। तो रेप और उस वर्णों का स्थान प्रयत्न रेप में तो प्राप्ति नहीं है, कोई ऐसा अक्षर नहीं मिलेगा र का जो कि सवर्ण हम दिखा सकेंगे। देखो ये र इसके साथ सवर्ण बन जाएगा, कोई व्यंजनों में भी नहीं दिखा सकते, स्वरों में भी नहीं दिखा सकते। व्यंजनों में दिखा सकते हैं क्या? रीटू रसा मूर्धन्या, र और श को पकड़ोगे तो वहाँ पर देखिए, र और श को यदि हम पकड़ें जी, तो र जो है इसका है स्पृष्ट और इसका है विवृत, या ईसद विवृत है, प्रयत्न भिन्न हो गए ना। सवर्ण संज्ञा तो इस सूत्र को कसेंगे ना उस पर ले जा करके कि सवर्ण संज्ञा तुल्यास्त प्रयत्नम सवर्णम होती है, तो र को ले जा करके र के ऊपर देखेंगे इस सूत्र को, इस सूत्र के अर्थ को र के ऊपर चढ़ा करके देखेंगे कि किसके साथ सवर्ण संज्ञा हो सकती है, तो कोई मिलेगा ही नहीं है। कोई बताओ आप, र और कौन सा न, र और न, आभ्यंतर प्रयत्न इसका ईसत स्पृष्ट है, इसका स्पृष्ट है। सवर्ण संज्ञा तो आभ्यंतर प्रयत्न को लेकर ही होती है ना, तो ये ईसत स्पृष्ट है, अंतस्थ ईसत स्पृष्ट है और ये स्पृष्ट है। और बोलो, र और श को देखेंगे तो भी नहीं, कोई ऐसा वर्ण नहीं मिलेगा जहाँ रहे कि सवर्ण संज्ञा हम कर दिखा सकें। रही बात उस वर्णों की, उनकी दिखा सकते हैं, उनकी दिखा सकते हैं तो उनमें ना जलो बनाई रखा है। तो उस सूत्र को हम, शिक्षा सूत्र को हम एक प्रकार का अनुवाद कथन कर सकते हैं, वो विधि नहीं है। गुरु जी, ये जो रेफस्यापि रेफ सवर्णो भवति एव ऐसा जो कह दिया था, ये तो ऐसे ही सामान्य रूप से कह दिया था। हाँ, प्रदीप ने तो सामान्य रूप से कह दिया था, पर कहते हैं उसके लिए ये बनाया ही नहीं, नागेश ये कह रहा है। हाँ, रेफ रेफ का उसके लिए तो बनाया नहीं ये वचन, विजातियों को सवर्ण निषेध करने के लिए बनाया है जी, उसके लिए नहीं बनाया कि रेफ का रेफ सवर्ण ना हो। रेफ उष्मणाम सवर्णा न संति जो शिक्षा सूत्र है ना, वो इस बात को निषेध करने के लिए नहीं बनाया कि रेफ रेफ का सवर्ण नहीं होता है, उष्म उष्म के सवर्ण नहीं होते, विजातीय वर्णों के सवर्ण साथ इनकी सावर्ण नहीं होता, ये बात बताने के लिए। एतत् प्रतिपादन परम एतत्, किम प्रतिपादन परम, कि विजातियों के साथ इनका सावर्ण अभाव रहता है, सवर्ण अभाव प्रतिपादन परक है वो वचन, न कि रेफस्यापि रेफ सवर्ण भवति एव, ये कहना उनका लक्ष्य था। बिल्कुल जी, रेफ को रेफ सवर्ण होता है, इसके लिए नहीं बनाया। और रही बात ये उस वर्णों की, ये तो पंक्ति सही होगी बिल्कुल। गुरु जी, ये जो तस्य वार्तिक था, वो अगले वार्तिक में कह रहे हैं कि ये यदि है तो उसका वचन फिर बनाना उचित नहीं है,
तो उसमें ये उदाहरण दिया था कैयट ने कि न च रेफस्माणम निवृत्त्यर्थम वचनम, ये हो जाए ये रेप और उष्माण का निवृत्त्यर्थ के लिए ये वचन हो जाएगा। वचन माने तुल्यास प्रयत्नम श्रवणम सूत्र। न च रेफोष्माणम निवृत्त्यर्थम वचनम, रेफस्यापि रेफा श्रवणो भवति, उसके लिए कह रहे हैं ये श्रवण संज्ञा वचनम। इसी के ऊपर तो ये वचनम बोला, श्रवण संज्ञा वचनम, श्रवण संज्ञा प्रतीक उठाई ना, श्रवण संज्ञा वचनम, न च रेफोष्माणम निवृत्त्यर्थम वचनम, श्रवण संज्ञा वचनम। श्रवण संज्ञा वचन जो है रेफ और ऊष्मों की निवृत्ति के लिए नहीं हो सकता, रेफ का भी रेफ श्रवण होता ही है, ऊष्म का भी ऊष्म श्रवण होता ही है। ये जो है ऐसा ही कह रहे हैं, न च रेफोष्माणम निवृत्त्यर्थम वचनम, रेफस्यापि रेफा श्रवणो भवति, ये इसके जो प्रदीप पीछे है, मतलब पीछे वाले में सबसे पीछे, हाँ प्रदीप पीछे वाला सूत्र आरंभस्तु रेफोष्माणम, हाँ ये पीछे वाला प्रदीप जो है ना उसके साथ इसको जोड़ करके देखेंगे ना, प्रदीप ने उस पंक्ति के साथ अपनी बात कही है मिलाकर, सूत्र आरंभ रेफ उष्मण की, रेफ और उष्मों की निवृत्ति के लिए हो जाएगा, तो उसको जो है अपनी सफाई दी है कि ऐसा नहीं कह सकते कि रेप और उष्म की निवृत्ति के लिए वचन है, क्योंकि रेप सवर्ण होता ही है रेप का, उष्म सवर्ण होते ही उष्म का, और फिर इस पर ये लिखा नागेश ने रेफोष्मणाम जो है ये विजातीय सवर्णाभाव प्रतिपादन परक है, रेफ अंश में तो तुल्यास प्रयत्न असंभव ही है, वहां तो किसके साथ करेंगे हम, संबंधी शब्दैर्वा तुल्यम, संबंधी शब्दैर्वा पुनस्तुल्यमेतत् तद्यथा संबंधी शब्द मातृवर्तितव्यम पितरी शुश्रूषितव्यम न च उच्यते स्वस्यां मातरी स्वस्मिन् पितरी संबंधात् चैतद् गम्यते या यस्य माता यश्च यस्य पिता। कहते हैं ये संबंधी शब्दों के समान ही है ये कथन भी जो समस्या उठाई है, जैसे यूं कहा एक सामान्य कथन का, बोले माता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पिता की बात सुननी चाहिए, मातृवर्तितव्य माँ के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, माँ की बात सुननी नहीं चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, पितरी शुश्रूषितव्य पिता की बात सुननी चाहिए, सुननी चाहिए माने वो मोह रहित होकर के हमारे को सही गाइड कर सकता है, माँ तो मोह में बस बोलती रहती है, तो मातरी वर्तितव्य माता के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, पितरी शुश्रूषितव्य पिता की बातें सुननी चाहिए क्योंकि उसमें मोह नहीं होता है, वो सही सलाह देगा, ज्ञानी पिता जो है वो सही सलाह देगा, वहाँ भी थोड़ा विशेषण तो डालना पड़ेगा, ज्ञानी पिता हमको सही सलाह देगा, पितरी शुश्रूषितव्यम। पर यहाँ एक ये बात नहीं कही जाती कि अपनी माता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने पिता की बात सुननी चाहिए, शुश्रूषा वैसे सेवा में रूढ़ है, पर शुश्रूषा वो स्वामी इंद्रवेश जी ने एक बार एक व्याख्यान में मैंने सुना था कि जैसे सेवा शुश्रूषा शब्द साथ साथ आता है, सेवा का अर्थ होता है कि उनकी सेवा करना, उनको जो जरूरत है उसकी पूर्ति करना, और शुश्रूषा का अर्थ होता है संस्कृत में सुनने की इच्छा करना, शुश्रूषा शब्द तो रूढ़ हो गया, अलग बात है सेवा में, पर शुश्रूषा शब्द का अर्थ होता है सुनने की इच्छा, तो उस तरह से उसका योगिक अर्थ यदि हम लें पितरी शुश्रूषितव्य मातृवर्तव्य, और लगता भी है ये दो शब्द बोलने की क्या जरूरत है, यूं ही कह देते मातरी शुश्रूषितव्यम पितरी शुश्रूषितव्यम, ऐसे कह देते मातृवर्तितव्यम पितरी शुश्रूषितव्यम, न च उच्यते स्वस्याम मातरी स्वस्याम पितरी, ऐसे नहीं कह रहे अपनी माँ के प्रति अपने पिता के प्रति, संबंधात् चैतद् गम्यते, संबंध से ऐसा जान लिया जाता है कि या यस्य माता या यश्च यस्य पिता, जो जिसकी माँ है जो जिसका पिता है ना इसके लिए ये बात कही जा रही है, ये जो कथन है उसके लिए किया जा रहा है, एवं इहापि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम बोल रहे हैं, ये संबंधी शब्द हैं, कौन से शब्द, संबंधी शब्दौ एतौ
ये संबंधी शब्द है कौन से? तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये तो उसे मतलब तुल्यास्य प्रयत्नम एक और सवर्णम एक, ऐसा संबंधी शब्द हो ये तो। ये दो शब्द जो है संबंधी शब्द हैं, तत्रस्थ हैं तुल्य और, तुल्य और सवर्ण, तुल्य और सवर्ण। प्रदीप ने लिखा है तुल्यास्य प्रयत्न शब्द संबंधी शब्दत्वात् समानार्थोपि प्रदेश वाक्येषु उपात्तः सवर्ण शब्द संबंधी शब्द, यथा तुल्याय कन्या दातव्या इति उक्तेन शूद्रेण तुल्याय ब्राह्मण कन्याम ददाति। जैसे कोई यूं कह दे तुल्याय कन्या दातव्या, अब ऐसा कहने से न शूद्रेण तुल्याय ब्राह्मण कन्याम ददाति, ब्राह्मण जो है अपितु आत्मना तुल्याय ददाति, शूद्र के साथ तुल्य जो है उसको ब्राह्मण कन्या नहीं देता, आत्मना तुल्याय तथा ही अपि। संबंधी शब्दाविति तुल्यास्य प्रयत्न शब्दस्य संबंधी शब्दत्वात्, तुल्यास्य प्रयत्न जो शब्द है ये संबंधी शब्द है, तत्समानार्थोपि प्रदेश वाक्येषु उपात्ता सवर्ण शब्द संबंधी शब्द। अच्छा ये जो है दो शब्द हैं, क्या क्या? तुल्यास प्रयत्नम एक, सवर्णम एक, ये दो शब्द संबंधी शब्द हैं। प्रदेश वाक्यों में तो सवर्णम शब्द पड़ा है और यहाँ संज्ञा स्थल में तुल्यास प्रयत्नम पड़ा है। प्रदेश वाक्य जैसे अकासवर्ण दीर्घ अनुदित सवर्ण प्रत्यय, प्रदेश वाक्यों में सवर्ण शब्द पढ़ा है और यहाँ पर तुल्यास्य प्रयत्न पढ़ा है, तो ये जो है तुल्यास्य प्रयत्न शब्द संबंधी शब्दत्वात् तत्समान अर्थोपि, उसके समान अर्थ वाला जो सवर्ण शब्द संबंधी शब्द है। स्वार्थ भिन्न प्रतियोगिक संबंध निमित्त शब्द संबंधी शब्द, ये संबंधी शब्द की व्याख्या की ना उद्योत में, स्वार्थ से भिन्न जो प्रतियोगिक, स्वार्थ भिन्न प्रतियोगी वाला संबंध निमित्त शब्द, संबंध के निमित्त से जो शब्द होता है वो संबंधी शब्द है। स्वार्थ से भिन्न प्रतियोगी वाला संबंधी शब्द क्या होता है? स्वार्थ भिन्न प्रतियोगिक संबंध निमित्त शब्द। परेतु अत्र सूते द्वंद्व निर्देश लभ्यो तुल्यास्य तुल्य प्रयत्न शब्दो इत्यर्थो भाष्यस्य, तुल्यास्य और तुल्य प्रयत्न ये शब्द दो शब्द ले रहे हैं, सवर्ण शब्दो ही प्रदेशे भी सवर्ण पदवत परा न तो तुल्यास्य प्रयत्न प्रवृत्ति निमित्त गए तत्सबंधी शब्दत्वम दुरुपादम उपक्रम उपसंगाराभ्याम चैवम एव उचितम उपक्रमे तो तुल्यास्यम च तुल्य प्रयत्न च सवर्ण संयम भवति इति उक्तम इत्याहु। परे तो अन्यथा भाष्यम योजन कैयटम दूषयति, भाष्य की अन्यथा व्याख्या करते हुए कैयट को दूषित कर रहे हैं। परेतु कहकर के नागेश ने यह बतलाया द्वंद्व निर्देश लभ्य जो तुल्यास्य और तुल्य प्रयत्न ये शब्द जो है यहां पर संबंधी शब्दों एतौ शब्द से कहे गए हैं। संबंधी शब्दौ एतौ ये जो बात कही भाष्य में उसका अर्थ है माने परमत में दे रहे नागेश कि तुल्यास्य और तुल्य प्रयत्न इसको यहाँ पर संबंधी शब्दों कहा है, तुल्यास्य और तुल्य प्रयत्न। सवर्ण शब्द जो कैयट ने कहा है कि तुल्यास्य प्रयत्न शब्द और जो सवर्ण शब्द ये संबंधी शब्द हैं उसको दूषित कर रहे हैं ना। कैयट की बात जो ये कही हमें मिलती है तुल्यास्य प्रयत्न शब्द संबंधी शब्द है, उसके समानार्थक प्रदेश वाक्यों में कहा गया सवर्ण शब्द भी संबंधी शब्द है ऐसे बोले ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि सवर्ण शब्दों ही प्रदेशे भी प्रदेश वाक्य माने विधि वाक्यों में भी सवर्ण पदवत पर सवर्ण पदवान परक है,
सवर्ण सब पदवत परा न तो तुल्यास्त प्रयत्न प्रवृत्ति निमित्त का, वो सवर्ण जो है सवर्ण शब्द प्रदेश वाक्यों में भी सवर्ण पद वाला इस अर्थ को ही दे रहा है, ना कि तुल्यास्त प्रयत्न प्रवृत्ति निमित्त का। तुल्यास्त प्रयत्न प्रवृत्ति निमित्तक नहीं है, उसका संबंधी शब्दत्व नहीं हम दिखा सकते हैं, सवर्ण का संबंधी शब्दत्व नहीं दिखा सकते हैं, दुरुपपादम यानी उसको नहीं दिखा सकते। उपक्रम और उपसंहार के द्वारा यही करना उचित है। च एवं ए उचितम, कथम उचितम, जो मैंने बतलाया वो उचित है। उपक्रमे ही तुल्यास्यम च तुल्य प्रयत्नम च सवर्ण संयम, ऐसा कहा था ना, तुल्यास्यम तुल्य प्रयत्नम ऐसा कहा था ना शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो कहते हैं यहां पर भी तुल्यास्यम तुल्य प्रयत्नम, ये जो दोनों शब्द हैं ये संबंधी शब्द हैं, अर्थात जिसके साथ इनकी तुल्यता है उन्हीं के साथ इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। जिसके साथ स्थान की तुल्यता है, जिनके साथ प्रयत्न की तुल्यता है, उन्हीं के साथ सवर्ण संज्ञा होगी, दूसरे के साथ कैसे हो जाएगी। जैसे ये कह रहे थे ना कि अ और आ तुल्य स्थान वाले, अब इस ई के साथ सवर्ण संज्ञा हो जाए, ऐसे कह रहे थे ना, तो बोले ऐसे कैसे हो जाएगा ई के साथ सवर्ण संज्ञा, संबंधी शब्द जो होते हैं वो जो जिसके साथ तुल्यास्य है वो उसके साथ सवर्ण, जो जिसके साथ समान प्रयत्न वाला है वो उसके साथ समान प्रयत्न वाला सवर्ण होता है। जो जिसके साथ तुल्यास्य प्रयत्न वाला है, तुल्यास्य और तुल्य प्रयत्न ये दोनों संबंधी शब्द हैं। वैसी टाइप कर रहे हैं ना, कौन सी यत प्रति यत प्रति यत तुल्यास्य प्रयत्न एक साथ, फिर यत प्रति तत् यत तत् सवर्णम संज्ञा, कहाँ पर भाष्य में ही नीचे में आगे जब देंगे ना संबंधात एतद् गंतव्यम यत प्रति यत तुल्यास्य प्रयत्न। हाँ तो ये ठीक हो गया ना, जिसके प्रति जो तुल्यास्य प्रयत्न है उसी के प्रति वो, तो ये दो ही ले रहे हैं ना, यत तुल्यास्य प्रयत्न एक तत् फिर सवर्ण संयम दो। अच्छा आप ये कह रहे हो कि यत प्रति तुल्यास्य प्रयत्न, जिसके प्रति तुल्यास्य प्रयत्न उसी के प्रति वो सवर्ण संयोग होता है, माने आप ये कह रहे हो कि तुल्यास्य प्रयत्न एक और सवर्ण दूसरा, ये दो संबंधी शब्द हैं, जिसके प्रति जो तुल्यास्य प्रयत्न है उसी के प्रति वो सवर्ण संयोग होता है। तुल्यास्य प्रयत्न शब्द संबंधी शब्दत्वात् तत्समानार्थोपि प्रदेश वाक्येषु, उसके समानार्थक प्रति सवर्ण शब्द संबंधी शब्द है। तुल्यास्य प्रयत्न शब्द संबंधी शब्द होने से ननु सवर्ण इति संज्ञा शब्द कथम संबंधी शब्दत्वम, जो सवर्ण शब्द है ये एक संज्ञा शब्द है, इसका संबंधी शब्दत्व कैसे हो जाएगा। तो इसको कैयट ये दिखा रहा है कि तुल्यास्य प्रयत्न शब्द से स्वार्थ भिन्न प्रतियोगिक संबंध निमित्त शब्द, स्वार्थ से भिन्न जो प्रतिद्वंदी है प्रतियोगिक है उस संबंध निमित्त, संबंध निमित्त शब्द है संबंधी शब्द। संबंधी शब्द को एक विशेष उसमें ना, एक विशेष परिष्कृत भाषा में परिष्कृत करके रखा है। संबंधी शब्द क्या होता है इसकी एक परिभाषा बनाकर रखा है इन्होंने, नागेश ने, संबंधी शब्द क्या होता है इसको कस करके शब्दों में रख दिया। ये नव्य न्याय की भाषा ऐसी होती है कि हम उसमें इधर उधर हिल नहीं सकते, जब वो अपनी बात कहते हैं तो वो ऐसा कस देते हैं कि उसमें गुंजाइश नहीं छोड़ते कि अब ये कुछ बच गया, उसमें हमें इधर उधर से कुछ छोड़ते नहीं, कुछ आक्षेप के लिए या जो अपनी बात कहना चाहते हैं ना उसको बड़े ऐसे ढंग से कहते हैं कि उसमें बिल्कुल एकदम से कुछ छूटे नहीं, कुछ अधिक कहा नहीं जाए। स्वार्थ भिन्न प्रतियोगिक संबंध निमित्त शब्द संबंधी शब्द, स्वार्थ भिन्न जो प्रतियोगिक, ये तो बहुव्रीहि समास ही होना चाहिए, स्वार्थ से भिन्न प्रतियोगी वाला संबंध निमित्त शब्द, स्वार्थ से भिन्न प्रतियोगी वाला जो संबंध है वह
उसको निमित्त लेकर जो शब्द होता है वो संबंधी शब्द होता है। तो इन्होंने ये दिखा दिया, दो समाधान दे दिए, तस्य कहने की आवश्यकता नहीं, दो समाधान दिए। एक तो ये समाधान दिया वचन प्रामाण्यात, वचन सामर्थ्य से एक समाधान, और दूसरा शब्द न्याय से दूसरा समाधान। मानी शब्द, ये जो प्रदीप की पहली पंक्ति देखिए, एवं वचनात् सामर्थ्यात् दोषम परिहृत्य, वचन सामर्थ्य से दोष हटाकर शब्द न्याय परिहर्तुम आह, शब्द न्याय से, मानी शब्द ही ऐसा बोल रहा है, हम इससे बाहर कैसे जा सकते हैं। जब हम ये कहेंगे कि तुल्यास्य प्रयत्न वाला वर्ण सवर्ण होता है तो किसी दूसरे के साथ कैसे हो जाएगा सवर्ण जा करके। शब्द न्याय यही है, मातृवर्तितव्यम पितरि शुश्रूषितव्यम नचोच्यते स्वस्याम, फिर भी अपनी माता की सेवा, अपनी माता के प्रति सद्व्यवहार करना चाहिए ये कहा जा रहा है, अपने ही पिता के प्रति शुश्रूषा रखनी चाहिए कहा जा रहा है। गुरु जी, हाँ, संबंधी शब्देर वा तुल्यम, इतने का क्या अर्थ होगा? संबंधी शब्देर वा तुल्यम एतत् प्रसंग जातम, ये जो प्रसंग रूपम, ये जो ऊपर जो ये कहा था तस्ति वक्तव्यम, जो दोष स्थलम, संबंधी शब्देर वा तुल्यम एतत् दोष स्थलम, संबंधी शब्दों के ही समान है ये दोष स्थल, आक्षेप स्थल, जो आक्षेप स्थल है ना, जो कहा तस्ति वक्तव्यम, ये जो आक्षेप स्थल है संबंधी शब्दों के ही वो है, समान है। नहीं, संबंधी शब्द तृतीय हेतु में, संबंधी शब्द होने से नहीं, संबंधी शब्दों के समान, संबंधी शब्द ही सह तुल्यम, संबंधी शब्द ही तुल्यम, तुल्य के युग में तृतीय होती है, संबंधी शब्दों के साथ इस प्रसंग की तुल्यता है। संबंधी शब्द ये जो है होने से फिर तुल्य ही सवर्ण होंगे, संबंधी शब्दों के तुल्य है ये प्रसंग, जो आक्षेप स्थल है ना, जो संबंधी शब्दों में जैसे व्यवस्था होती है वैसी ही यहां पर भी व्यवस्था समझनी चाहिए। तो ये तो समाधान में कह रहे हैं ना, तो समाधान ही तो है ये, संबंधी शब्द तुल्यम, ऊपर जो समस्या थी उसका समाधान ही तो है जी। संबंधी शब्द पुनस्तुल्यम एतत्, केवल दो कह रहे हैं, दो शब्द, नहीं मैंने कहा दो शब्दों को बताओ, संबंधी शब्दौ एतौ, एतौ कहा है महाभाष्य में ना, एतौ द्विवचन है, तो दो संबंधी शब्द ढूंढने पड़ेंगे। नागेश ने संबंधी दो जो शब्द दिखाए, तुल्यास्य तुल्य प्रयत्न शब्दौ इत्यर्थो भाष्यस्य, तुल्यास्य और तुल्य प्रयत्न ये दो संबंधी शब्द दिखाए कैयट ने, तुल्यास्य प्रयत्नम एक सवर्णम एक, ये दो संबंधी शब्द दिखाए, ये दोनों संबंधी शब्द हैं, और संबंधी शब्द जो होते हैं वो अपना जो जिसके साथ तुल्यास्य प्रयत्न है वो उसके साथ सवर्ण होता है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा होती है तुल्यास्य प्रयत्न वाले की, तो जो जिसके साथ तुल्यास्य प्रयत्न, ये हम स्वभावतः गम्यमान है शब्द न्याय से, शब्द जो होते हैं वो कुछ न कुछ अपने साथ आवश्यक अध्यार कर लेते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम, शब्द अपने प्रकृति के अनुरूप आवश्यक अध्यार कर लेते हैं। तुल्यास्य प्रयत्न वाला जो जिसके साथ तुल्यास्य प्रयत्न वाला वो उसके साथ सवर्ण होता है, ऐसा अर्थ निकलेगा। ऐसे समस्या को ध्यान में रखो, जैसे अ और आ की तुल्यास्य प्रयत्न है, फिर बोले ई के साथ सवर्ण संज्ञा हो जाए,
और आतुल्यास प्रयत्न वाले ई के साथ श्रवण हो जाए, ऐसा कैसे होगा? संबंधी शब्द हैं, जो जिसके साथ तुल्यास प्रयत्न वाला है उसी के साथ श्रवण होगा, संबंधी शब्दों में ऐसा होता है। जो जिसकी हाँ जी कहीर ने दिया है तुल्याय कन्या दातव्य, तो तुल्य के लिए शुद्ध न शूद्रेण तुल्याय ब्राह्मणा कन्याम ददाती। अब देखिए दो अलग अलग हो गए ना, शूद्र के साथ तुल्यता देख ली, जो ब्राह्मण को देनी है तो ब्राह्मण की तुल्यता होगी, उसको शूद्र के साथ हमने जोड़ेंगे जो। तो ब्राह्मण की, ब्राह्मण की कन्या है तो ब्राह्मण अपने साथ तुल्यता देखेगा, तुल्यता देखेगा, और शूद्र को कन्या नहीं देगा। यहाँ पर भी तुल्यास्त प्रयत्न है, तो वो जिसके साथ तुल्यास्त प्रयत्न है उसी के साथ वो श्रवण होगा, अन्य के साथ नहीं। आ के साथ तुल्यास्त प्रयत्न है तो ई के साथ नहीं। ब्राह्मण कन्याम ददाती तुल्याय, तुल्य के लिए ऐसा वाक्य है, तो आत्मना तुल्याय ददाती न तो शूद्रेण तुल्याय ददाती, अपने जो तुल्य है उसको देता है, न कि शूद्र के तुल्य। इसी तरह से तुल्यास्य प्रयत्नम जब कह रहे हैं, तुल्यास्य प्रयत्नम जब कह रहे हैं तो अपने साथ जो तुल्यास्य प्रयत्न है उसी के साथ श्रवण संज्ञा होगी, दूसरे के साथ नहीं। रिकार लिकारयो श्रवण विधि, ये एक वार्तिक है, अकाशवर्ण दीर्घा पर भी इस तरह का कुछ प्रसंग है। इन्होंने वार्तिककार ने री और ली की श्रवण संज्ञा कहनी चाहिए ऐसा एक वार्तिक बनाया, होत्री जमा लिकार है, होत्री री और ली है ना, यहाँ री ली की श्रवण संज्ञा कहनी चाहिए। किम प्रयोजनम अकाश श्रवण दीर्घ दीर्घत्व में था स्यात, कहते हैं अकाश श्रवण दीर्घ अक्ष से उत्तर सवर्ण अचो, तो यहाँ सवर्ण दीर्घ हो जाए, श्रवण संज्ञा हो जाएगी, तो नहीं तदस्ति प्रयोजनम वक्षते तत् सवर्ण दीर्घत्व रीति रीवावचनम रीति रीवावचनम। सवर्ण दीर्घत्व में दो वचन मिलते हैं, लीवावचनम दीर्घ इति अनुवर्तते, उसमें दीर्घ आ रहा है, ये ल्री ऐसा एक ल छूट रहा है, लीवावचनम ये ऐसा देख रहे हैं, यहां पर दीर्घ अनुवृत्ति आ रही है और उसके होने पर लृति लृ शब्द विकल्पिते अप्राप्ता एव पक्षे दीर्घो भविष्यति, सच भवन रिवर्ण से दीर्घाभावात रिवर्ण से अंतरतमो दीर्घ रिकारो भविष्यति। नैतदस्ति प्रयोजन, ये श्रवण संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा अध्याय कीजिए। जैसे इन्होंने पूछा ना, इन्होंने कहा ना किम प्रयोजन, बोले आकाश श्रवण दीर्घत्व यथा स्यात, होत्री रिका होत्री रिकारा ये री और ली है ना, इसमें दीर्घ आकाशवर्ण दीर्घ हो जाए, इसलिए हमारे को वो करना चाहिए। अच्छा वार्तिक में रिकार रिकारयो में ये नहीं हो रहा है ना, होत्री रिकार रिकार रिकारयो आदगुणा संधिकार्य नहीं हो रहा है ना, रित्ति का सूत्र लग रहा है, और री के बीच में संधि कार्य नहीं हो रहा ना, रित्य का कैसे लगेगा, रील री की श्रवण संज्ञा है, श्रवण संज्ञा होने से रिकार के पर रहते जो कार्य होता है री के पर रहते भी होता है, अजी री और ली का ना, तभी तो वार्तिक बना दिया, नहीं तो वार्तिक क्यों बनाते यदि।
स्थान एक ही होता तो फिर वार्तिक क्यों बनाते? वार्तिककार ने स्थान भेद से ही प्राप्त नहीं थी विधान कर दिया। अब ये री और नी दोनों सुनाई पड़ रहे हैं ना, तो उनकी श्रवण संज्ञा न तो ये तय अन्य से ऐसा अर्थ नहीं, मतलब रिकार लिकार की किसी अन्य के साथ श्रवण संज्ञा कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है, रिकार लिकार की परस्पर श्रवण संज्ञा कहनी चाहिए ऐसा है। नैतदी प्रयोजन वक्षते तत् श्रवण दीर्घत्व रीति रीवावचनम लृति लृवावचनम, तो तत्र लृवावचनम दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है, तत्र लृति लृ शब्द विकल्पित अप्राप्ता पक्ष दीर्घो भविष्यति। सच भवन रिवर्ण से दीर्घाभाव रिवर्ण से अंतरतमो दीर्घ ऋकारो भविष्यति। ये कहेंगे सवर्ण दीर्घत्व रीति रिवावचनम लृति रिवावचनम तत्सवर्ण यथा स्यात् इमाभूत दधिर, जैसे एक प्रयोग है दधि और आगे क्या है तत्सवर्ण यथा स्यात्, तत्सवर्ण यथा स्यात् इमाभूत दधि, माने वह जो कहा है वहां पर वो सवर्ण में हो यहां ना हो, दधि लृकार मधु लृकार, यदि हम श्रवण संज्ञा ना करके वो वचन बोलेंगे, दो वचन बोलेंगे ना, रीति रिवावचन रीति रिवावचनम रीति रिवावचनम, तो अगमात्र रीति तत्कार्यम स्यात् दधिल ऋकार तस्मात् विधेया श्रवण संज्ञा, इसलिए श्रवण संज्ञा करनी चाहिए। गुरु जी ओ ऋकार ऋकार की श्रवण संज्ञा के बारे में बोल रहे हैं, पहले संधि कैसे कर दी फिर कहाँ पर रिकार लिकार यो हमें रिकार लिकार यो श्रवण संज्ञा के लिए बोल रहे हैं, श्रवण संज्ञा हुआ नहीं फिर यहाँ संधि रित्य कैसे कैसे, श्रवण संज्ञा होगी तब तो श्रवण संज्ञा वार्तिक पूछ रहे हैं ना जी, संधि कैसे हो जाएगी जब श्रवण संज्ञा होगी तब तो संधि होगी, रिकार लिकार के बीच हो गया ना, श्रवण संज्ञा है इनकी री और ली श्रवण संज्ञा करने के लिए तो बोल रहे हैं वार्तिक, तो बोल रहे हैं वो तो सिद्धांत क्या है, अभी तो बोल रहे हैं पर निष्कृष्ट सिद्धांत क्या है, माने पूरा इसका निचोड़ क्या है, री ली की श्रवण संज्ञा होती है या नहीं होती है, तो उन उसके आधार पर जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर भी वो नियम लागू होगा। रील री की श्रवण संज्ञा होने से रित्य का सूत्र है ना वो लग रहा है, बस इतनी बात कहा था मैंने, रिकार के पर रहते जो प्रकृति भाव कार्य होता है वो कार्य रिकार के पर रहते भी हो गया। मैं कह रहा था कि वो तो श्रवण संज्ञा करने के लिए बोल रहे हैं कि करनी चाहिए रिकार लिकार की, अब पहले ही संधि कर दिया मतलब श्रवण संज्ञा मान के ऐसा, तो वहाँ कैसे हो जाता है उरण रपरा में उहू अण रपरा, यही सूत्र तो रपर कर रहा है, यहाँ कैसे कर दिया, आप क्या उत्तर देते हो, उरण रपरा में जो ये रपर हो रहा है री शब्द का रूप चलाया षष्ठी में, री के स्थान में अण रपर होता है, तो आप ये कहोगे क्या उत्तर दोगे, आपको कोई विद्यार्थी पूछेगा तो क्या उत्तर दोगे, री अण गंस ऋतु सूत्र लगा यहाँ रिकार से उत्तर, नसिगंस का आकार परे हो तो पूर्व पर के स्थान में उकारादेश हो जाता है, फिर उरण रपरा सूत्र रपर करता है, राजसस्य से इस सह का लोप होता है, उर अण रपरा ऐसा सूत्र बनाया है ना, तो ये तो यही तो करता है रपर, यहीं पर कैसे हो गया उरण है? माने री कहीं पर भी होता है उसको अण
वो रपर हो जाता है। यहाँ तो क्या उसी भाषा के लिए बना है, ये भी एक भाषा का वाक्य है। यदि अविधाय श्रवण संज्ञा तदुच्यते अगमात्रस्य लृति लत् तत्कार्यम स्यात् तदहि लृकार है तस्मात् विधेया श्रवण संज्ञा, इसलिए जिज्ञासु कहता है श्रवण संज्ञा करनी पड़ेगी। अगमात्र अनग व्यावृत्त्यर्थम अक इति वर्तते, श्रवण संज्ञा अभावात् सवर्ण इति नान वर्तते। ओ